बिफोर डिस्कसिंग स्पेसिफिक कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल और एसिडिक एसिड वी शुड अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इसमें फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ड्राई आइस, इसको हम सॉलिड CO2 भी बोलते हैं, सॉलिड CO2। तो सॉलिड है तो भाई दिखाई दे रहा है कि सॉलिड CO2 इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ऐसे ही लिक्विड में एग्जांपल है हमारा अल्कोहल का, तो अल्कोहल आपको पता ही है कि C2H5OH लिक्विड स्टेट में ही मिलती है हमें रूम टेम्परेचर पे। इसी तरीके से एक और स्टेट में जो कंपाउंड हमारे मिल जाते हैं गैसेस स्टेट में, दैट इज मीथेन। तो मीथेन इजीली हमारी गैसेस स्टेट में ही मिलती है। तो यानी कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वेरी लो सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स इज वेरी लो। क्योंकि ये कंपाउंड्स जो एक्चुअल में बने होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज ए वीक टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपैरिजन टू आयोनिक बॉन्ड। तो यही वजह है कि मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वेरी वेरी लो। तो कुछ एग्जाम्पल्स है इसको समझते हैं। जैसे हम लेते हैं अल्कोहल के केस की बात करते हैं, तो अल्कोहल में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग इसका रहता है 156 केल्विन, और सेल्सियस में अगर हम इसे देखें तो ये कुछ -117 के आसपास हमें दिखाई देता है सेल्सियस में। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका केल्विन में जो रहता है ये 351 केल्विन, और सेल्सियस में अगर हम इसे देखें तो ये लगभग रहता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी कम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल होता है दिस इज़ फाउंड एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड स्टेट ऑलरेडी, दैट्स वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इज़ वेरी वेरी लो। ऐसे ही कुछ ग्लेशियल एसिडिक एसिड की भी बात कर लेते हैं, जिसको जनरली एसिडिक एसिड बोलते हैं, और ये हमारे कोर्स में भी है एसिडिक एसिड। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका रहता है 17 डिग्री सेल्सियस। यही वजह है कि विंटर आने पर हमारा जो प्योर एसिडिक एसिड होता है वो जम जाता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग हमारे पास रहता है 118 डिग्री सेल्सियस। तो ये देख सकते हो कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वेरी वेरी लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल और डीजल, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल और डीजल, बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्सेप्शंस हैं, जैसे अल्कोहल हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में ज़्यादातर जगह पर देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कोवेलेंट्स कंपाउंड की अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने एसिड बेस सॉल्ट्स में देखा था कि जब हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया था तो हमने देखा कि उसमें शुगर सॉल्यूशन में किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाई थी। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस
एनी फ्री आयंस, दैट्स वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब कोवेलेंट कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो उनकी अगर फिजिकल स्टेट देखें तो दे आर फाउंड इन ओनली इन सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारा कैसा दिखता है, सॉलिड स्टेट में दिखता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स वो तीनों स्टेट में मिलते हैं हमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं और आयनिक बॉन्ड इज एक्चुअली ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। और यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड्स के जो बॉयलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी काफ़ी हाई देखने को मिलते हैं और इनकी जो स्टेट्स होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे तीनों स्टेट में मिलते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट्स भी काफ़ी लो दिखते हैं। और एक इसका रीज़न ये भी बोल सकते हो कि कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके बॉन्ड को तोड़ना बड़ा इजी है और जबकि आयनिक बॉन्ड चूँकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। दैट्स वाई वी कैन से द आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड इन स्टेट एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली हाई। फिर बात करते हैं सॉलिबिलिटी के बेस पर इनमें डिफरेंस क्या है। आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे पेट्रोल या डीजल में हमारे आयनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंडक्टिविटी के बेस पे हमें कहाँ का डिफरेंस दिखते हैं। तो हम अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वहीं अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस और व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस फ्री आयंस एंड दीज फ्री आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी। तो ये सारे डिफरेंस हमने देखे कोवेलेंट कंपाउंड्स में और आयनिक कंपाउंड्स में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।